इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीन दो एक्सचेंज और एक जो है वो स्टेकिंग एक्सचेंज है, ठीक है। इन तीनों में फॉसेट मिलते हैं और फ्री कॉइन मिलते हैं और आप जो है वो कॉइन स्टेकिंग पे भी लगा सकते हैं और इसमें अच्छी प्रॉफिट होती है। तो पहले नंबर पे जो साइट है वो है BTC पॉप, ठीक है। तो इस साइट में मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें मेरे पास जो 440 कॉइन है ये पड़े हुए हैं आपके सामने, जो बैलेंस है ये इतने पड़े हुए हैं, 1,64,109 कॉइन, ठीक है। और जो 2x2 कॉइन पड़े हैं वो पड़े हैं 2,25,153, ठीक है, 53। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप इसका डिपॉज़िट देखें, 440 कॉइन का डिपॉज़िट देख लेते हैं। आप पहले अमाउंट टोटल देख लें और डिपॉज़िट देख लें और मैं आपको कुछ बातें भी बताऊँगा जिससे आप इसको होल्ड करके रखेंगे और प्रॉफिट भी होगी। यहाँ पर डिपॉज़िट पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पर देखें कि जो 440 कॉइन है वो मैंने डिपॉज़िट किए थे 77,072 और 77 कॉइन ये वाले टोटल लगा लेंगे 77,200 कॉइन जो है वो मैंने डिपॉज़िट किया था। तो अभी देखें ये स्टेकिंग बैलेंस मुझे कितना मिला है। और नीचे चलते हैं, जो टू एक्स टू कॉइन है वो 24,233 और 260 है, तकरीबन समझ लें कि 24,500 कॉइन जो है वो ये वाला डिपॉज़िट किया था और इसका जो बैलेंस देख लें आप कि इसका स्टेकिंग बैलेंस जो है वो कितना है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको चीज़ें कुछ बताता चलूँ कि जिससे आपको लॉस नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये तो हो गई स्टेकिंग इस साइड में, और फॉसेट भी इसमें बहुत अच्छा है। इस टाइम अगर आप 440 कॉइन का फॉसेट लें तो वो आपको 400 कॉइन के करीब मिलेगा, और पहले जो मिलते थे आज से कोई एक महीना पहले जो फॉसेट मिलता था इसमें वो 2 कॉइन बस मिलते थे, क्योंकि इसकी प्राइस अच्छी थी, हाई लेवल पे थी। अभी डाउन हो चुकी है प्राइस। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 8 महीने पहले कि इसकी जो प्राइस थी ना वो काफ़ी लो प्राइस थी और लोगों ने काफ़ी फॉसेट जो हैं वो जमा करके रखे थे, यहाँ पर स्टेकिंग बैलेंस भी रखा था और स्टेकिंग भी उनको मिल रही थी, डेली का प्रॉफिट मिल रहा था। और अचानक जो इसकी प्राइस है वो हो चुकी थी $0.5 के आसपास, तो फिर सब ने सेल किए, सबको प्रॉफिट हुई थी इसमें। तो आपने इसको सेल नहीं करना, बस यहाँ पर स्टेकिंग पे छोड़ देना, ये ऑटोमेटिकली स्टेकिंग पे लग जाता है। और रही बात बाय करने की, अगर आप $1 के बाय करके इस एक्सचेंज में ले आते हैं फिर भी आपको अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। फॉसेट तो आप लेंगे, मैं फॉसेट का भी आपको बता देता हूँ कैसे लेने हैं। अभी दूसरी साइड भी हैं उनका भी मैंने आपको बताना है, तो वीडियो कम्प्लीट देखिएगा। तो वहाँ से आप $1 के बाय करें, इस एक्सचेंज से आपने बाय नहीं करने। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फॉसेट पे। अच्छा, तो इसका जो डैशबोर्ड है ना वो डैशबोर्ड शो होगा आपको, यहाँ अकाउंट पे आप जाएंगे तो यहाँ बैलेंस आपके सामने शो होगा, फर्स्ट टाइम ऐड विदड्रॉ डिपॉजिट, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा बैलेंस वाला। तो हम यहाँ पर फॉसेट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फॉसेट पे क्लिक किया तो यहाँ नीचे चलते हैं, ये देखें कि हमें मिल रहे हैं 440 कॉइन जो है 370 मिल रहे हैं एक फॉसेट पे, एक क्लेम पे। तो आपने 2x2 जो है इसको बाय नहीं, इसका क्लेम नहीं लेना, आपने 440 कॉइन का क्लेम लेना है। वो इसलिए कि जो 440 कॉइन है ना इसका स्वैप जो है ना वो ओपन होता रहता है, ठीक है, ओनर की तरफ से ओपन होता रहता है, तो इसकी प्राइस हाई होती रहती है, तो इसलिए आपने इसका क्लेम लेना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, काफ़ी कॉइन है आप उनका क्लेम भी ले सकते हैं। आपने सिंपल जो है वो क्लेम पे क्लिक करना है और वहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना है, ठीक है। वहाँ पर कुछ साइट होती है जहाँ पर आप लोग क्लेम लेते हैं तो आपको वॉलेट एड्रेस डालना पड़ता है, नहीं आपने यहाँ पर वॉलेट एड्रेस नहीं डालना, बस ये जो एक्सचेंज है आपने साइनअप की होगी इसका यूज़र नेम डालना और क्लेम पर क्लिक कर देना है तो आपको बैलेंस मिल जाएगा। तो बाद टाइम कुछ लोग जो हैं, कुछ भाई जो हैं वो कमेंट्स करते हैं कि भाई हमें फॉसेट बैलेंस जो है वो शो नहीं हुआ। तो भाई इसका जो फॉसेट बैलेंस है वो उसी टाइम शो नहीं होता जब आप एक क्लेम लेते हो, तो जब तक दूसरे क्लेम की बारी आती है तो पहले क्लेम का जो बैलेंस है वो शो हो जाता है। तो एक हो गई ये वाली साइड, इसका अभी मैं आपको विड्रॉ भी बता देता हूँ कि विड्रॉ कैसे करना है।
विड्रॉ सिंपल है इसका। अगर आपने डिपॉजिट करना है तो आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है, अगर आपको विड्रॉ करना है तो माइनस पे। मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये देखें कि टू कॉइन जो है वो फीस है। मैं ऑल बैलेंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑल बैलेंस ऐड हो चुका है। यहाँ पर नीचे आपने विड्रॉ एड्रेस पे आपने वॉलेट एड्रेस डाल देना है, जहाँ पर भी आपने इसको लेके जाना है। तो उसके बाद विड्रॉ पे क्लिक कर देना। अगर आपने टू फैक्टर कोड लगाया होगा तो वो यहाँ पर ऐड कर देना, अगर नहीं लगाया होगा तो सिंपल आपने विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। अब रही बात कि आपने यहाँ से बाय क्यों नहीं करने, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसकी ट्रेड पे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बाय करने से क्या लॉस होगा। यहाँ नीचे चलते हैं, ये देखें, ये हमारे पास है बाय का ऑप्शन और यहाँ पर नीचे है सेल का ऑप्शन। अब यहाँ पर बाय के ऑप्शन पे देख लें कि जो बंदा बाय कर रहा है ये वन सतोशी का एक कॉइन बाय कर रहा है, और वन सतोशी से नीचे कॉइन जो है वो बाय नहीं कर सकते आप। अगर आप दूसरी एक्सचेंज से इसको बाय करेंगे, उसका लिंक भी मैं रख दूँगा इसके नीचे, वहाँ पर ये रनिंग में है, हर टाइम चलता रहता है, ठीक है, बाय सेल होता रहता है। वहाँ पर आपको एक सतोशी में ये मिलेंगे तकरीबन कोई 40 से 50 कॉइन, यहाँ पर आपको एक सतोशी में मिलेगा एक कॉइन, ठीक है। तो आप खुद ही सोच लें कि यहाँ अगर आप $1 के बाय करते हैं तो आपको मिलते हैं तकरीबन 2300 कॉइन, अगर आप वहाँ से $1 के बाय करते हैं तो आपको तकरीबन मिलते हैं कोई 50-60 हज़ार कॉइन, ठीक है। बस ये फ़र्क है, इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ से आपने बाय नहीं करना। तो वहाँ से आप बाय करके यहाँ पर उसको डिपॉज़िट कर लें तो यहाँ पर स्टेकिंग पे बैलेंस जो है वो लग जाएगा। तो अब बात हो गई ये एक एक्सचेंज की, जहाँ पर आप फॉसेट ले सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी इसकी स्टेक पे, दूसरी, ठीक है जी, इसका नाम है कॉइन स्टेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पर ये 440 कॉइन का ये इतने कॉइन पड़े हैं। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर भी सेम विड्रा और डिपॉज़िट का वही मेथड है, प्लस पे करेंगे तो आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, माइनस पे करेंगे तो विड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर कॉइन की जो है, नीचे चलते हैं तो प्राइस का पता चलता रहता है कि किसकी कितनी प्राइस है, किसकी कितनी प्राइस है, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 440 कॉइन की जो है वो इतनी प्राइस है, एक सतोशी से भी काफ़ी कम है, और जो एक्सचेंज मैंने अभी आपको बताई फ़र्स्ट टाइम, उसमें एक सतोशी का एक है, ठीक है। तो आप वहाँ से बाय ना करना, आप इसको जो एक्सचेंज का लिंक मैं नीचे रख दूँगा वहाँ से बाय कर लेना, नहीं तो कमेंट्स करना, मैं आपको एक्सचेंज का बता दूँगा। तो यहाँ पर फॉसेट आपने कैसे लेना है, यहाँ पर आपने सिंपल फॉसेट पे आना है। फॉसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने देखना है, ये देखें 440 कॉइन है आपको मिल रहे हैं दो, ठीक है, टू कॉइन मिल रहे हैं। उस एक्सचेंज में आपको मिल रहे हैं फॉसेट के कितने, 400 कॉइन तक, 370 कॉइन तक, ठीक है। तो इसलिए भाई मेरे के आपने देख के जो है ना फॉसेट लेना है, वहाँ से आप फॉसेट लें तो अच्छा है। ये मैंने वैसे आपको साइड बता दी, यहाँ से आप किसी और कॉइन का फॉसेट ले लें। यहाँ पर ये देखें वेलो कॉइन जो है इसका 2204 कॉइन हमें मिल रहे हैं। तो सिंपल हमें यहाँ पर कॉइन पर क्लिक करना है, जो भी सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ आपको क्लेम पर क्लिक कर देना है रिबूट करके, ठीक है। ये कॉइन हमारे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। तो ये भी फॉसेट वाली साइट हो गई एक। अभी हम दोबारा डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे वापस आ चुके हैं। तो यहाँ नीचे चलते हैं, ये देखें जो मैंने अभी क्लेम लिया वो ये क्लेम है 2204 कॉइन का विलो कॉइन, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से जो है वो क्लेम कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी डिपॉज़िट विड्रॉ कर सकते हैं, और बैलेंस जो है यहाँ पर स्टेकिंग पे ऑटोमेटिकली आपको मिलता रहता है, ठीक है। मगर जो सबसे बेस्ट स्टेकिंग है वो BTC पॉप साइट में ही है, एक्सचेंज में ही है। तो अब हम चलते हैं ग्रेविस एक्सचेंज में, तो वहाँ पर आपको अनलिमिटेड काफ़ी फॉसेट मिलते हैं। तो वहाँ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं उसका एक तो आपको ऐप्स दिखाऊंगा और दूसरे नंबर पे जो आप, यानी कि पहले नंबर पे आप ऐप उसका डाउनलोड कर सकते हो, दूसरे नंबर पे आप उसका डायरेक्ट फॉसेट भी ले सकते हैं।
तो ये दो साइड जो है ये हमारी ओके हो चुकी है। मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया है। 440 कॉइन अभी अगर आप बाय कर लें $1-2 के तो अच्छी बात है, उसको BTC पॉप में ले जाएं तो अच्छी स्टेकिंग मिलेगी आपको। कल को प्राइस हाई होती है तो आप दोबारा इसका विड्रॉ जो है उस एक्सचेंज में करें जहाँ से आपने डिपॉज़िट किया था, तो वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ग्रेविस एक्सचेंज में। ये आगे ग्रेविस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये है उसका ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉज़िट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कॉइन है, इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ से आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है इसको विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने वॉलेट एड्रेस लगाना है, नीचे जो है वो बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे, आपका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, ये जो एक कॉइन है फीस आ जाएगी। और उसके बाद अगर आप किसी भी कॉइन की साइट में, उसकी वेबसाइट में जाना चाहते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है वो उसकी वेबसाइट पे डायरेक्टली चले जाएंगे। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉइन ऑनलाइन है और कौन सा ऑफलाइन है। यहाँ पर बैग, ठीक है, जिस पे गुड लगा है ये ऑनलाइन है और जिस पे नहीं लगा वो ऑफलाइन है। तो उसके बाद फॉसेट जो है इसके, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐप से आप इसका फॉसेट नहीं ले सकते, तो फॉसेट वाली साइड मैं आपको बता देता हूँ। आपने जब डायरेक्ट आप गूगल से ये एक्सचेंज ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप फॉसेट ले सकते हैं। बस जैसे कि ये देखें कि ये ऐप नहीं है, ये इसकी जो ऑफिशियल एक्सचेंज है वो है, यानी कि ऐप डाउनलोड नहीं किया। वो जो ऐप डाउनलोड करेंगे उससे आप ट्रेड, विड्रॉ, डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये सारे कॉइन जो हैं ये आप फॉसेट ले सकते हैं, ये जितने भी कॉइन हैं। सिंपल फॉसेट है, इसमें आपको कैप्चा रिबूट भी नहीं करना पड़ता। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर आप साइट पर आएँगे तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है साइन इन करें, तो मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ, आपने साइन इन किया होगा तो क्लेम लिखा आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपको ये फॉसेट मिल जाएंगे और आपका जो बैलेंस है वो डैशबोर्ड पे ऐड होता रहेगा। ये सारे इसमें क्लेम है। फिर उनको जो इजी सेल है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, ऐप के अंदर। ऐप के अंदर यानी कि किसी भी कॉइन पर क्लिक करें, ट्रेड में जाएं, यहाँ पर जैसे कि मैं ट्रेड में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर बाय सेल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर किसी चीज़ का ना पता चले तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको कमेंट्स में बता दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।